सो वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट अ लॉट, हम लोग बहुत ही इंटरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, फाइन। ये इंस्ट्रक्शंस में नहीं पढ़ रहा। आज मैंने प्लान किया है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अराउंड 75 क्वेश्चंस, अराउंड, देखता हूँ कब तक बैठते हो। तो 75 क्वेश्चंस फ्रॉम द सीरीज एंड लॉट मोर, आवाज आ रही है पीछे, एंड लॉट मोर एक्स्ट्रा, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस कैसे डिजाइन किया है, हिंदी के क्वेश्चंस ऊपर हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस नीचे हैं। एक्सप्लेनेशन में, चूंकि हिंदी के क्वेश्चन ऊपर दिया है, तो एक्सप्लेनेशन में पहले आपको इंग्लिश में आएगा, फिर हिंदी बोल दूंगा ये, ठीक है, जो हिंदी की आपको दिक्कत नहीं होगी, आई विल टेक केयर ऑफ, ठीक। सो क्वेश्चंस मैं पढ़ दे रहा हूँ फास्ट फास्ट। प्रोटोजोआ के कारण डैश और डैश जैसे रोग होते हैं, ठीक। डिजीज सच एज डैश एंड डैश आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, ठीक। तो क्या आंसर आपको लग रहा है? अच्छा, सिर्फ देखो तो आप आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन इज, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया का नाम बता सकता है? सलमोनेला टाइफोसा, वेरी गुड। टीबी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? वेरी गुड। डिसेंट्री, डिसेंट्री गलत हो जाए इशू नहीं है, गलत हो जाए आप आंसर करते रहोगे। आपको डिसेंट्री का एंटामीबा हिस्टोलॉटिका, एंटामीबा क्या है? अमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? जो फील करो बताओ, घबराओ नहीं आप, ओके। कफ, क्या कफ बैक्टीरिया से हो सकता है? यस नो, हाउ मेनी यस? यस, हुपिंग कफ, इन हिंदी कुकुर खांसी, नाम सुना है? DPT, सुनो ध्यान से आप, आंसर करना आप। हम 75 क्वेश्चन के नाम पे कम से कम 500 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम, ठीक। सो क्वेश्चन इज, DPT में टी क्या है? ऑप्शन, टिटनस, टिटनी, TETANY, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये टिटनी क्या है? TETANY, टिटनी इज कॉज ड्यू टू, एनीवन? हिंट दूं, ये पढ़ते हो आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, पढ़ते हो आप हॉर्मोन्स में, पढ़ते हो आप हॉर्मोन इज पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, ठीक है। चलो फिलहाल देखते हैं, टाइफॉइड, बहुत रिलैक्स बैठना आप। सो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड आपको सिम्टम्स दिख रहा है, वाइट कोटिंग ऑन द टंग, ओके। टंग देख के क्या दिमाग में क्या आ रहा है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, इनेमल। रूल सिंपल है, जितना कॉन्फिडेंट हो आप उतने जोर से ऐसे करोगे, एंड द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। सो दांत देख के समझ में आ रहा है कि भाई हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको दिख रही है, इन विच कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, ये आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, बहुत ऑब्जर्व करना। ये बैक्टीरिया है कैसा? दो ऑप्शन है, देखो जरा, एक आप ही का ऑप्शन, कई बार आप जब आंसर गलत बोलोगे तो मैं ऑप्शन भी ले लूँगा, सही बोलोगे तो भी ले लूँगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया है बेसिलस, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, गोल गोल, कोकस, साफ साफ दिख रहा है आपको। रैशेस ऑन बॉडी, अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, क्वेश्चन क्या बना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम
ऑफ टाइफॉइड, निम्न में से कौन टाइफॉइड का लक्षण है या नहीं है? दिख रहा है आपको? है, दिख रहा है, डिसेंट्री। क्वेश्चन इज, अगर हम इस कोलोन की बात करें जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डेंस इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, क्वेश्चन इज किसका? बैक्टीरिया। कौन? साइजेला, बैक्टीरियल डिसेंट्री। अगर प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो जाए, कौन? एंटामीबा, अमीबिक डिसेंट्री। यानी ये बैक्टीरिया भी पॉसिबल है, अमीबा भी पॉसिबल है। मलेरिया, इस मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो, क्वेश्चन सुन लीजिए, मॉस्किटो कौन सा है? ऑप्शन सिर्फ तीन है, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एडीज। फीमेल एनाफिलीज, तो फीमेल क्यूलेक्स से कॉज, कॉज कॉज क्या? जैपनीज, क्या जैपनीज कैरियर है या कॉजल है? कैरियर है। कफिंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कॉज्ड बाय एलर्जेंस, एलर्जी जो कॉज कर रही है, ठीक है, कॉज्ड बाय वायरस। अभी पूरा विश्व कोविड वायरस को झेला है ना? आइए देखते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉमन कोल्ड, यानी ये एक वायरल डिजीज है। डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, टाइम शुरू हो चुका है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक, जुलाई अगस्त सितंबर मॉस्किटो के ब्रीडिंग का हाई टाइम। ब्रीड्स इन फ्रेश वाटर, रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग डे, एंड नेम ऑफ मॉस्किटो इज एडीज और क्यूलेक्स। क्या डेंगू बैक्टीरियल डिजीज है? क्या ये वायरल डिजीज है? यस, डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, डेंगू वायरस, एंड कैरियर इज मॉस्किटो, कौन सी? एडीज, विच रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। तो आपको दिख रहा है हेपेटाइटिस। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ से हिंट ले रहा हूँ आपको, कि व्हाट इज हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर। बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन? लिवर। ग्लैंड हैविंग पावर ऑफ रीजनरेशन, लिवर। ग्लैंड फॉर्मिंग बाइल, हाउ मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल जूस? ऑप्शन दू, 2, 4, 6, नन। बाइल कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज बाइल सॉल्ट डैश एंड डैश दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। सो बाइल सॉल्ट आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन इज हाउ, क्या? दो ऑप्शन है, जो समझ में आंसर कर जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे घबराएंगे नहीं, ठीक है? तो क्या वो फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ दे रहे हैं, कि वो फैटी ग्लोब्यूल्स के सरफेस एरिया बढ़ा रहा है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ी तो उस पर अब कौन सी एंजाइम्स एक्ट कर रही है? इसको आंसर करने से पहले याद करना होगा कि विच सेगमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का कौन सा पार्ट बाइल जूस को रिसीव कर रहा है? विच वन? ड्यूडेनम। कौन रिसीव कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस? ये भी ड्यूडेनम। बहुत अच्छा बता रहे, वेरी गुड। कफिंग, कॉपी है आपके पास? डेट डाल दो आज का, टेस्ट डिस्कशन जो नंबर है वो डाल दो, बायोलॉजी डाल दो, डाल दो और शुरू हो जाओ, देखते कितना तेज आप छापते हो। सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे, कफिंग इज कॉमन रिफ्लेक्स
एक्सप्लेनेशन थोड़े हिंदी में कम होंगे, तो आप हिंदी वाले कीवर्ड्स मेंशन करना, इतनी अंग्रेजी आपको आती है। कफिंग इज कॉमन रिफ्लेक्स दैट क्लियर्स योर थ्रोट ऑफ म्यूकस ऑफ फॉरेन इरिटेंट्स। समझ में आ रहा है कि भाई फ्रीक्वेंट कॉफिंग के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। कीवर्ड इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या हमें पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट याद है? कोल्ड, फ्लू, अगर इन्फ्लुएंजा की बात करें इट इज़ अ वायरल, कफ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन सबको पता है। स्मोकिंग इज अनदर कॉमन कॉज ऑफ कफिंग, अभी समराइज कर देंगे ठीक है। इन यंग चिल्ड्रन एस्थमा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, निमोनिया एंड हूपिंग कफ। हूपिंग कफ पर्टुसिस, पर्टुसिस आप इसे समराइज कर दो। कफिंग कैन बी कॉज ड्यू टू वायरल, यस। कॉज बिकॉज ऑफ एलर्जी, यस। कॉज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, यस। कॉज बिकॉज ऑफ एस्थमा, यस। ध्यान रखिएगा, आपको ये की बस नोट करना, जो है पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लेंगे याद रहेगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में आपके पास क्या है, कुछ लोगों के पास होगा, सो सुन लेंगे बस। डिजीज सच एज डिसेंट्री एंड मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो अमीबा है। याद रखेंगे बैक्टीरिया भी कॉज करेगी, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग साइजेला। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, बोथ अमीबा एंड प्लाज्मोडियम आर प्रोटोजोअंस। तो आंसर आपको बी करेक्ट मिला। टाइफॉइड आपने बैक्टीरिया का नाम बताया साल्मोनेला, ठीक, और ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कफ, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, हेपेटाइटिस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वायरस। कफ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड थ्रू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एलर्जी, वायरस, एस्थमा। डेंगू वायरस ठीक है, मॉस्किटो का नाम एडीज। सो वायरस इज द कॉजल एजेंट एंड एडीज इज द कैरियर एंड दिस मॉस्किटो रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, आगे बढ़ूं? की पॉइंट्स आप अपने हिसाब से जो याद है छोड़ देंगे, जो नहीं याद है लिखते जाएंगे, बिकॉज वो वेरी करेगा। वो एक क्वेश्चन है, मैं पूरी क्लास से जानना चाहूँगा, और क्या आप सोचते हो आप पेयरिंग कर सकते हो, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, आप पेयरिंग करके आंसर बना सकते हो। कितने लोग? मॉस्किटोज आर कॉजल एजेंट फॉर, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। अभी आंसर मन में सोच लो, पूछूंगा बताना आप। मॉस्किटोज आर कॉजल एजेंट फॉर, किसका कॉजल एजेंट है? क्या हम सब क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? यस नो? कितने लोग अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंट हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव? खुल के हाथ उठाइए, ठीक। और कितने नन ऑफ द अबव? क्लास वाले नन कर रहे हैं, जिसकी क्लास हो चुकी है, ठीक। सो मॉस्किटो किसी का कॉजल एजेंट नहीं है, मॉस्किटो इन सब का कैरियर है। अब रिकैप करेंगे, मलेरिया इज, अगर मलेरिया का कैरियर है तो पीछे कॉपी में मत देखना, मलेरिया का कॉजल एजेंट कौन? प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ। डेंगू का कौन?
वायरस, डेंगू वायरस। ब्रेक बोन फीवर किसे बोलेंगे? डेंगू को। ब्रेन फीवर किसे बोलेंगे? इन दोनों का कॉजल एजेंट कौन? नो जे ई वायरस। मैंने कॉजल पूछा जो है, तो इस क्वेश्चन में आंसर हो गया नन ऑफ द एबव, बिकॉज फॉर ऑल दिस मॉस्किटोज आर कैरियर एंड दे हैव डिफरेंट कॉजल एजेंट। इनके कॉजल एजेंट जो बीमारी कॉज करेंगे वो अलग हैं और कैरियर इनके अलग हैं। ठीक, डेंगू के कुछ सिम्टम्स, किसी को हुआ डेंगू? अगर बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी रही हो, ठीक होने के कई महीनों तक जॉइंट्स में पेन, अगर कैल्शियम फास्फोरस ठीक है तो सिम्टम नहीं आएंगे। तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम मसल एंड जॉइंट्स का पेन, एक कॉमन सिम्टम कई बार सीवियर हेडेक का होना, ईचिंग बॉडी में रैसेस। अब बॉडी की इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग डायरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कुछ सिम्टम्स कॉमन है। बहुत रिलैक्स बैठिए, ध्यान से देखिए, सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना जो डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन आपको, बिकॉज मेरा सिर्फ टारगेट ये नहीं है, बिकॉज आई वॉज टोल्ड कि आपको एक्सप्लेनेशन मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन आप कितना उसे समझ पाओगे, और मैंने उसे और बियॉन्ड कर दिया ताकि होराइजन और ब्रॉड हो जाए। ठीक, ब्रेन फीवर, बात अभी यहाँ फिलहाल जैपनीज एनसेफलाइटिस की हो रही है। ठीक, मॉस्किटो क्यूलेक्स, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए, क्या हिंदी में पूरा पढ़ूँ? इतनी चूँकि बायो तो इतनी अंग्रेजी हमें आती है, हिंदी बड़ा टफ हो जाएगा मुझे सबके लिए। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आप, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डेवलप डैश यूजिंग डैश विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस। आप एक्सप्लेनेशन देख के मत बोलना, ईमानदारी से करिए आप। कर लिया? यस नो? हो गया आंसर? आगे बढ़ूं? क्या है आंसर? आंसर इज सी, फंगस का नाम, कवक का नाम, कवक का नाम, फंगस का नाम मुझे कौन बता रहा है? नेम ऑफ फंजाई, एग्रोबैक्टीरियम बोलते जाओ। अच्छा, क्या इस फंगस के पास जो केमिकल है उसके पास एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, तभी तो वहाँ से ऑप्टेन हुआ पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है? यस, देखिए जरा, पेंसिलिन इज एंटी बैक्टीरियल डेवलप्ड बाय फ्लेमिंग फ्रॉम ए मोल्ड। ठीक, क्वेश्चन इज आखिर कैसी बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकस, बैक्टीरिया जब गोल गोल हो, कोकस का ओ ग्रुप में बंच में हो, स्टेफाइलोकोकस, क्या फंजाई के पास ऑटोट्रॉफिक प्रॉपर्टी है? यस नो? क्या फंजाई अपना भोजन बना सकता है? नो। फंजाई क्या है? ए सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी है। ठीक, ये अपना भोजन नहीं बना सकता। अगर ध्यान सुनना, आगे काम आएगा, अगर बैक्टीरिया सर्कुलर हो, गोल गोल हो, क्या बोलेंगे? कोकस। अगर रॉड शेप्ड हो, छड़नुमा हो, बैसिलस।
अगर स्पाइरल हो, कॉमा सेप्ट हो, कॉलरा कॉज्ड बाय वाइब्रियो कॉलरा, बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो कॉलरा, तो वो कॉज कर रहा है, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स मॉर्फ इट्स फॉर्म इट इज ऑफ, ये मेजर टाइप है, माइनर वहां पर दिया हुआ है, उतना आपको नहीं चाहिए। सो मेजर टाइप है, आगे और देखते हैं। पेंसिलिन फंगस से ऑब्टेन हुआ, हैविंग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, उस सेल वॉल पे एंटीबायोटिक्स एक्ट करती हैं। और हमें याद है कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ डैश, ऑल्सो कॉल्ड एज डैश पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन। सो पेंसिलिन के की पॉइंट्स, एंटीबैक्टीरियल कर चुके हैं हम, ठीक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम याद आ चुका है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया याद हो चुका है, वही चीज़ हिंदी में दिया हुआ है, ठीक। आइए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए आप। जरा एक क्वेश्चन लिखिए, दो एक क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर बॉर्न पार्टिकल, एक्सपोजर टू एयर बॉर्न पार्टिकल। निम्न में से कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से फैलता है, हो सकता है ट्रांसलेशन एग्जैक्ट ना हो, मीनिंग वही है, एक्सपोजर टू एयर बॉर्न पार्टिकल। आपके पास ऑप्शंस है ए को, अब आप ऑप्शंस को ऐसे लिखिएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसा मत करना, ए बी सी डी ऐसे करना, ए कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड, बी चिकन पॉक्स, ए कॉमन कोल्ड, बी चिकन पॉक्स, सी मम्स, मम्स MUMPS, डी मीजल्स है बोर्ड पे, यहाँ पे डी है मीजल्स, ई हुपिंग कफ, अभी पीछे बात हुई थी हुपिंग कफ, कुकुर खांसी, हुपिंग कफ। अब इसमें से अगर मैं क्वेश्चन को नोट कर दूं, या नीचे ऑल और नन, नेक्स्ट कर लीजिए ऑल, नेक्स्ट कर लीजिए नन, नेक्स्ट कर लीजिए नन। इस क्वेश्चन में आपको दो तीन चार बातें बतानी हैं। एक, कौन कौन सी वायरल हैं, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी एयरबॉर्न डिजीज हो रही है, ठीक। इतनी बातें आपको देखनी है। क्या होगा आंसर, कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया या वायरस, वायरस। साइड में लिखिए राइनो वायरस, RHINO राइनो वायरस। चिकन पॉक्स बैक्टीरिया और वायरस, वायरस। वेरिसेला वी फॉर विक्ट्री, VARICELLA वेरिसेला। मम्स हमने क्लास में डिस्कस किया है, कौन से वायरस, पैरामिक्सो। कौन सी ग्लैंड, बताया था आपको पैरोटिड ग्लैंड, पैरामिक्सो वायरस। मीजल्स ये भी कर लीजिए अनदर टाइप ऑफ पैरामिक्सो, स्ट्रेन अलग है, जैसे कोविड में आपने स्ट्रेन कई देखे, Another strain of paramyxo, measles, यानी ये भी वायरल है। Whooping cough bacteria, ब्रैकेट में BORDE, TE LLA,
क्या पढ़ेंगे? बॉडी टेला। ठीक, अब इस क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थ्री का मलेरिया। यहाँ नॉट पूछा है आपसे, पूरी क्लास अभी देख चुकी है कि मलेरिया तो कॉजल एजेंट प्लाज्मोडियम है और कैरियर मॉस्किटो है, तो सी इज आंसर, सबको मालूम है मलेरिया। ट्यूबरक्लोसिस एयर बॉर्न एयर इन्फेक्शन दिख रहा है आपको, टाइफॉइड पीछे आपसे बात हुई थी अभी, मलेरिया कैसे लीवर में कॉज कर रहा है अपना इन्फेक्शन, मीजल्स के लक्षण आपको दिख रहे हैं। मीजल्स क्या था, बैक्टीरियल या वायरल? बहुत रिलैक्स बैठो, जग के देखो, ध्यान सुनो। ठीक, ये आपसे करा दिया। कोविड 19 के बारे में आप जानते हो। ठीक, लिखिए नोट, NOTE, नोट। नोट में नीचे NOTE, नोट। अब इसके आपके पास पॉइंट है, जो आपको याद न हो वो नोट करिए आप। इसमें हो सकता है किसी को सारा याद हो, मत लिखिए आप, एक भी मत लिखिए आप। जो आपको याद है छोड़ दीजिए, क्योंकि वो वैरी करेगा, क्योंकि मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता है। ठीक, एस्परजिलोसिस फंगल है, ट्यूबरक्लोसिस क्लास को याद हो चुका है, बैक्टीरियल है। एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया रॉड सेप्ट है, बैसिलस। डिप्थीरिया का बैक्टीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम है। मेनिनजाइटिस बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, तीनों मार्क करिएगा आप, तीनों मार्क करिएगा। यहाँ लिखने लायक लास्ट वाला ही है, बाकी तो सब पता होगा आपको, होप सो। जिनके पास कॉपी नहीं है दोस्तों से पेज मांग लीजिए आप, दोस्तों के पास पेज नहीं है ऑफिस में ऊपर जाके पूछ लीजिए, क्या ये आपको पेज दे सकते हैं? डन। अगर आप फोटो लेना चाहें ले सकते हैं आप, वो तो मैंने थोड़ी सी इनकी डेस एंड डेस्क करी थी। ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। देखिए आप, सो एयरबॉर्न पार्टिकल्स ड्रॉपलेट के फॉर्म में इन्फेक्टेड पर्सन से पर्सन टू पर्सन इसकी स्प्रेड हो रही है। क्या चीज? आप सही कर लो, ठीक है। ये वाटर वाले पार्ट को देख रहा है जो, ठीक, ये भी गलत नहीं है। एक सेकेंड, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि टाइफाइड पानी से होता है जो। अभी देख लो दोबारा क्वेश्चन को, यानी इसको देखो आप, इसको कैसे ले रहा है ये, यहाँ देखो आप, थोड़ा क्वेश्चन के सेटिंग में वो एक्यूरेसी नहीं आ पाई है। कोई नहीं, आप याद रखिएगा, टाइफाइड का वाटर का इन्फेक्शन कॉज है ना, तो वो आपसे जानना चाह रहे थे, ऑप्शंस की पेयरिंग ठीक से नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वाले ये पढ़िए, इंग्लिश वाले ये पढ़िए। कौन सा करेक्टली मैस्ड है? सिट्रस कैंकर, नाम सुना है सिट्रस कैंकर? ये नींबू के रोग को देखा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। अगर मैं सिट्रस से बात करूं तो क्या सिट्रिक एसिड विटामिन सी है? यस नो? ये तो पूरी क्लास जानते हैं, कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं सिट्रिक एसिड इज विटामिन सी? हाथ उठाओ।
गलत है, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। जहां गलतियां करोगे मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। आप देखो आप अकेले नहीं थे, है ना, पूरी झुंड आपके साथ थी। रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोजैक ऑफ लेडी फिंगर, कर लिया। आइए देखते हैं, ये देखिए आप, जो आपको काम का लगे लिखते जाना। कई बार पेड़ों से नींबू ठीक से पके भी नहीं और गिर गए। इन्फेक्शन बैक्टीरियल, पत्तियों पे दाग और नींबू पे दाग। अगर पूरा समझाऊंगा तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी करने लग जाओगे, उतना समझाऊंगा भी नहीं, ठीक। सो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया जेंथोमोनस सिट्राई है, आपको याद रखना है बैक्टीरिया है। और नींबू में कुछ ऐसी बीमारी हो रही है, ये विजुअल्स आपको याद रखने में हेल्प करेंगे। रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का खेत देखा है, यस नो? क्या हमारे नॉर्थ इंडिया के किसान इस समय खेतों में गेहूं बो रहे होंगे, यस नो? क्या व्हीट खरीफ क्रॉप है? तो मुझे आप व्हीट के कोई दो स्पीसीज का नाम बता दो, ठीक है। और जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा, व्हीट या पैडी? व्हीट पे पड़ा मैक्सिमम, ठीक है। फर्स्ट फेज की बात हो रही है, क्या पूछा मैंने, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आपको ये एक फंगस कवक के द्वारा जंग, हिंदी के ट्रांसलेशन में जंग लिखा हुआ है, रस्ट डिजीज। अगर कभी खेतों में जाने का भाग्य सौभाग्य मिले आपको और गेहूं में ऐसे लक्षण दिख जाए तो आपको एंटी फंगल मेडिसिन स्प्रे करनी है। हमारे किसानों को पता कहाँ होता है, ठीक। कितने भी गवर्नमेंट सॉयल हेल्थ कार्ड बना दे, फर्टिलाइजर मीन्स यूरिया, ठीक, यही कारण है पूरे गैंगस्टिक बेल्ट में ग्राउंड वाटर के एक्सट्रीम पोल्यूशन का, ठीक। फिलहाल भिंडी की हालात ऐसी हो गई, क्या बोलते हो आप भिंडी को, लेडीज फिंगर? कौन ये, कौन था ये, आपका नाम क्या है, होल्ड में, व्हाई यू आर कॉल्ड संजीत? बिकॉज साइंटिफिक नेम इट है ना, आप सुनना जो चाह रहे मैं सुनाऊंगा नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं आपसे एक दूसरी बात जानना चाहूँगा जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक। अगर जैसे कि क्लास फुल आप फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी होते तो मैं आपसे मजे और लेता जी, ठीक। फिलहाल बच गया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, शिमला मिर्च देखा है, शिमला मिर्च में, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, दो ऑप्शन है, इट इज परसिस्टेंट, परसिस्टेंट कैलिक्स, परसिस्टेंट कोरोला, कैलिक्स भाई जो फूल था, जो फूल था, जो भिंडी का फूल था वो बन गया फल, यानी भिंडी में आप खा रहे हो फ्रूट और फल बनने के बाद जो फूल की ग्रीन सेपल्स थी, ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलिक्स थी, वो आज भी मौजूद है। रिकॉल करो कहाँ कहाँ परसिस्टेंट कैलिक्स आज भी मौजूद है, टोमेटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम, चिली। तो जहां जहां आपको ग्रीन कैपिंग दिखे दैट इज परसिस्टेंट कैलिक्स। क्वेश्चन सीधा बनेगा, निम्न में से किसमें कैलिक्स या परसिस्टेंट कैलिक्स मौजूद है, ठीक।
बिंदी को बीमारी हुई, आपको ऐसी बीमारी दिखी, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर देखिए, सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास, ध्यान सुनना भाई, अगर शब्दों को ध्यान सुनना, अगर आपसे कोई रूठ जाए तो दांत खट्टे कर दे, यानी जितने खट्टे फल हैं जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो है रूटेसी। रूट गया रूटेसी, ठीक। लेमन ऑरेंजेस दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, शब्दों का ध्यान सुनेंगे, विटामिन सी, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। एक क्वेश्चन आप और बताओगे, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अगर हम मौसमी के जूस को ठंडी के मौसम में गर्म करके पिए, फायदा? मौसमी के जूस को ठंडी के मौसम में गर्म करके पिए, फायदा? विटामिन सी गॉट डिस्ट्रॉयड। सुबह का निकाला शाम को पिए, फायदा? नो, अपॉन एक्सपोजर टू एयर गॉट डिस्ट्रॉयड, कांट स्टोर इन बॉडी, वाटर सॉल्युबल। जोश में आ गए, फ्रूट जूस की दुकान पे गए, झमाझम 5 गिलास पी लिया, क्या हो गया? पूरा यूरिन से बाहर, विटामिन की डेसेंडेंस, ठीक। चलो आगे समझेंगे। सो व्हीट रस्ट फंगस का नाम पक्सिनिया ट्रिटिका, चूंकि गेहूं इस ट्रिटिकम एस्टिवम, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी कॉज्ड बाई बीगोमो वायरस, वायरस याद रखेंगे, और कैरियर वाइट फ्लाई, ये दो बात याद रखेंगे। आगे बढ़े, मैं फिर आगे लास्ट में थोड़ी देर पूछूंगा कि कुछ याद हो रहा है कि मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, आप बेस डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए आप, कई बार क्या होगा सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो जो कम गलत है आप वो ऑप्ट करोगे। कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, रॉ मिल्क, रॉ RAW, रॉ मिल्क कैन बी पास्चराइज्ड, जो मोस्ट कॉमन है, रॉ मिल्क कैन बी पास्चराइज्ड बाई हीटिंग, कैन बी पास्चराइज बाई हीटिंग एट 63 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग एट 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और एट अ हायर टेम्परेचर, और एट अ हायर टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस, हायर टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन इमीडिएटली कूलिंग इट टू अ टेम्परेचर नॉट मोर देन 10 डिग्री, टू अ टेम्परेचर नॉट मोर देन 10 डिग्री। ये मोस्ट कॉमन है, ध्यान सुनेंगे आप। पास्चराइजेशन के 4 मेथड्स हैं, लेकिन हम GS में, वो भी स्टेट सर्विसेज में, चारों पे जा नहीं सकते, ठीक। टेक्निक वॉज डेवलप बाई लुइस पास्चर, ध्यान सुनेंगे आप। तो एक मेजर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मानती है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ डैश माइक्रोबायोलॉजी, और एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मानती है पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पास्चर डेवलप्ड वैक्सीन कौन सी?
smallpox. A polio, B smallpox, C rabies, D none. Rabies. एंटी रेबीज वैक्सीन. ठीक, तो उस जो अभी आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 का क्लोज आंसर आपको क्या दिख रहा है? मैंने कहा कई बार ऐसा होगा कि सारे ऑप्शंस गलत हैं तो आप ढूंढ लोगे क्लोज कौन सा है. ठीक, तो यहाँ आप डी ऑप्ट कर दे रहे हो. तो जितने हमने मिल्क के ब्रांड देखा है उस पर हमने पढ़ा है, लिखा होता है पाश्चुरीकृत और पास्चराइज. चार इसके मेथड हैं, उसकी बात यहाँ नहीं कर सकते, नॉट रिक्वायर्ड. किसका किसका कैसे कैसे होगा, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक, फिलहाल प्रोसेस नॉट रिक्वायर्ड. आंसर कर चुके हम, हिंदीकरण देख चुके हम, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन. बोलना मत, बताना मुझे आप, जब पूछूंगा तब. मिल्क प्रोटीन, बोलना मत, लिखना कॉपी में. मिल्क शुगर, मिल्क विटामिन. यहां मिल्क विटामिन से तात्पर्य विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग येलोनेस. कौन इंपार्ट कर रहा है पीलापन? अगर मिल्क प्रोटीन की बात करें, यहां तात्पर्य फॉर व्हाइटनेस से है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग व्हाइटनेस. चलिए, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? पैरा केसिन, केसिन, राइबोफ्लेविन, साइनो कोबेलमीन, साइनोकोबेलमीन, लैक्टोज, सुक्रोज. ये ऑप्शंस हैं. क्या करेंगे आप? ए में क्या करेंगे? केसिन. अगर मिल्क पे पैंक्रियास के द्वारा बनाई हुई ये एंजाइम एक्ट कर दे तो मिल्क से दूध से दही बन जाए, पैराकेसिन बन जाए. सिर्फ दो ऑप्शन है, काइमोट्रिप्सिन और लैक्टेज. दो ही ऑप्शन है, काइमोट्रिप्सिन और लैक्टेज. एक और है नन. क्लास वालों को डाइजेशन में कराया था. ठीक, लैक्टेज नहीं है. लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. ठीक, इसमें से केन सुगर कौन सा केन सुगर? सुक्रोज. कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन B12, साइनोकोबेलमीन. मिल्क सुगर लैक्टोज, मिल्क प्रोटीन केसिन, रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटनेस, और यहाँ पे विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन. चलिए अगले क्वेश्चन पाइए. लिविंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेन हीमोग्लोबिन. आपके पास है? ओके, फाइन. एंड एक्सक्रीट थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड नेफ्रिडिया. ये कीवर्ड है. क्या हो गया? ठंडा लग रहा है. आप कोल्ड ब्लडेड हो रहे हो. क्या होगा आंसर? अगर मैं मोलस्का का नाम ले रहा हूं तो क्या आपके माइंड में कुछ नाम आ रहा है? अब सुनो आप, अब क्वेश्चन का कॉपी में नंबरिंग करना और मोलस्का लिख के कुछ एग्जाम्पल लिखना. क्वेश्चन बनता है कौन सा मोलस्का है, नहीं है, लाइक दिस. एग्जाम्पल क्या लिखना, देखिए बोर्ड पे. मोलस्का,
इसमें से पांच नाम कम से कम लिखे आप। ऑक्टोपस नंबर वन, यूनियो नंबर टू, पाइला नंबर थ्री, हेलिक्स नंबर चार। हेलिक्स नाम डीएनए में सुना था, है ना? फिर पांचवा जो आपको अच्छा लगे, दोनों उतने ही फालतू हैं, यूनियो पाइला हेलिक्स ऑक्टोपस, ये चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आपको अच्छा लगे लिख लो आप। हो गया? डन? जरा पढ़ना तो, क्या पढ़ोगे आप? CNIDARIA, निडेरिया। नीचे लिखो निडेरिया डैश हाइड्रा, डैश हाइड्रा। मुझे आप एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, निडेरिया का गठबंधन ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, पहुंच गए, क्वींसलैंड पहुंच गए, कोरल सी पहुंच गए, वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ में, ध्यान सो, रिलैक्स करो, ध्यान सो, ग्रेट बैरियर रीफ में इस निडेरिया ने किसके साथ किया गठबंधन? सिर्फ तीन ऑप्शन, एल्गी, फंजाई, एनिमल। सोच लो आप, जो कोरल रीफ्स खूबसूरत दिख रहे हैं, जो इनकी खूबसूरती है वो किसके कारण? अब क्वेश्चन देखो आप, अगर मुझे आपसे गलती कराना होता, अगर मैं चाहता कि आप गलत करो विद कॉन्फिडेंस मुस्कुराते हुए, तो मैं क्वेश्चन क्या पूछता आपसे? मैंने नहीं पूछा, देखो बोर्ड पे, कोरल्स आर, अगर मैं आपसे ये पूछता डेड सी एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स, प्लांट एनिमल, सुपर ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल सुपर ऑर्गेनिजम्स, निडेरिया, एल्गल, सिम्बायोटिक। भाई क्या बोलते, लंबा ऑप्शन आपको सही लगता है जो? एसोसिएशन। नाराज हो गए क्योंकि आप कुछ और सोच रहे थे। नन, क्या होगा आंसर? कोरल्स आर निडेरिया जो एनिमल है, एल्गी जूजेंथली जो प्लांट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, है ना? सी वाले को डी में डिफाइन कर दिया है। अगर पेयरिंग का ऑप्शन होता तो हम सी और डी को साथ लेते, बिकॉज एल्गी यहाँ पे प्लांट है, जूजेंथली है, और निडेरिया यहाँ पे एनिमल है, दोनों सुपर ऑर्गेनिज्म है। एक छोटा सा क्वेश्चन आगे बढ़ूंगा, कोरल्स है क्या? कार्बन, टफ क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, कार्बन सिंक, कार्बन सोर्स, बोथ, नन। चार ही ऑप्शन है, कार्बन सिंक। चूंकि आप अच्छा बता रहे, जितना आप अच्छा आंसर करोगे उतना मैं डायमेंशन ब्रॉड कर दूंगा, डेप्थ बढ़ा दूंगा मुझे। सिंक, एक और अच्छा क्वेश्चन इसी पे, यहां पर जो कार्बन सिंक हुआ वो कौन सा कार्बन है? ए ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ब्लू कार्बन,
ब्राउन कार्बन, फालतू की बातें नन। अगर यहाँ बता दोगे तो आई विल फील वेरी हैप्पी, फिर आपकी डिस्कशन को अलग लेवल पे ले जाऊंगा। इसमें डिफरेंस कौन बता रहा है चारों में? प्लीज आप बता रही हो? हाँ बताइए, बैठ कर बताइए, जो बोलिए आप। गलत होगा, कोई फांसी की सजा नहीं होगी। प्लीज बहुत अच्छा बता रहा, गुड। ब्राउन क्या है फिर? ब्राउन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ब्राउन हो गया। पूरी क्लास के लिए, पूरी क्लास के लिए ध्यान सुनेंगे आप। वेन एवर कार्बन इज फिक्स बाई एनी ग्रीन प्लांट, ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, लैंड प्लांट्स, CO2 फिक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज नॉट अवेलेबल इन एटमोस्फेयर फॉर इंपार्टिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, इट इज ग्रीन कार्बन। ठीक, सेम प्रोसेस परफॉर्म बाई एल्गीज, हाइड्रोफाइट्स, जली पौधे, ब्लू कार्बन। ठीक, दो हो गया। अगर कोल के कंप्लीट कंबस्टन से कार्बन शूट, कार्बन एसेस रिलीज हो रही हैं, ब्लैक कार्बन। यही ब्लैक कार्बन आजकल पोलर रीजन में, हाई अल्टीट्यूड्स पे, एल्पाइन रीजन में अपर एयर सर्कुलेशन से पहुंच जा रही हैं। दे आर डिक्रीजिंग, रिड्यूसिंग एल्बिडो एंड प्रमोटिंग मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। यही कंबस्टन अगर इनकम्प्लीट हुई, इट इज ब्राउन कार्बन। बहुत अच्छा बता रहे, वेरी गुड। मैं चेक करो आप में कितनी पोटेंशियल है। अच्छा जा, अभी तक ठीक जा रहे हो आप। चलिए, तो ये बात निडेरिया की हो रही थी, और अब आगे लिखो एनिलिडा। जितने आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, इसमें से वर्मी कल्चर का संबंध किन से है? वर्मी कल्चर कर लीजिए फटाफट। इसमें दो तीन नामें लिखिए बस, एक अर्थवर्म लिखिए। क्या ये जोक है? कभी सोचा आपने कि जोक जब काटता है तो दर्द होता है? नहीं होता है। और ब्लीडिंग भी नहीं होती, इचिंग होती है। लेकिन जहां से उसने खून आपका पिया, वहां से खून बह नहीं रहा है, क्योंकि वो एक केमिकल वहां रिलीज कर रहा है। एंड द नेम ऑफ केमिकल, उसी के नाम से है, हीरुडीन। ये लीच है जो काफी नीच है। क्यों भाई? खून पी रहा है। ठीक, और हमने रेस्पिरेशन में क्लास में डिस्कस किया है, इसके रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस। क्योंकि ये दिखने में नहीं है क्यूट। आगे बढ़े, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कौन एनिलिडा का मेंबर है, मेंबर नहीं है। ये बड़ा बोरिंग टॉपिक, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, याद रखना। ऑर्थोपोडा, जिनके लेग्स आपस में जुड़े हैं, पोडा लेग, ऑर्थो जॉइंट। कुछ नाम आप लिख लीजिए, जैसे कि स्पाइडर, जैसे कि मॉस्किटो, जैसे कि मॉथ, जैसे कि बीटल्स। चार पॉपुलर नाम थे। बिल्कुल, आगे बढ़े। चलिए आंसर पर जी, आंसर सिंपल था। तो बात एनिलिडा की हो रही थी, मार्क जहां पे आपने एनिलिडा लिखा था ना, उसमें पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। दे हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यही काम का पॉइंट है।
जहाँ आपने एग्जाम्पल लिखा था उसी में, दे हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया, स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया हिंदी में भी वही नाम है। चलिए मैच करिए, अमीबा ह्यूमन रेप्टाइल्स एम्फीबियंस, अमीबा मनुष्य सरीसृप उभयचर, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं हिंट दे दूं, ये देखो बोर्ड पे आप, जो अंडे दे ओवी पेरस। देखिए आपको एक मुफ्त की सलाह दे रहा हूं, जब मैं आपसे बात करूं तो आप आपस में बात न करें, हर लाइन क्वेश्चन है, मैं आपसे मजाक करूंगा वो भी क्वेश्चन है, ठीक। तो जो हमने ओ को बड़ा कर दिया, जो अंडे दे वो ओवी पेरस, इमोशनल मत होना, जो बच्चे दे, इसका हिंदी पढ़ लो, वीवी पेरस, समझ गए। अब जरा और समझो, क्या प्लांट में ये संभव है, क्या प्लांट में वीवी पेरी पॉसिबल है? दो ही ऑप्शन है, यस नो। अगर आप स्मार्ट हैं जो हैं आप, तो यस बोल रहे हैं, क्योंकि भाई है तभी पूछ रहा हूं। लेकिन अगला स्टेप कठिन है, प्लांट में किस में, ये कठिन था। क्या हमने ये नाम सुना है? मैंग्रोव्स, यस नो। मैंग्रोव्स में इमोशनल मत होना, कई बार ऐसा हुआ कि पेड़ों पे फल लगा है और आप सोच रहे हो कि फल टपके और मैं खाऊं, लेकिन ऐसा हो न सका। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स व्हेन फ्रूट्स आर अटैच्ड टू मदर प्लांट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीवी पेरी, ठीक। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स व्हेन फ्रूट्स आर अटैच्ड टू मदर प्लांट, दिस यूनिक फीचर इज वन ऑफ स्पेशलाइज्ड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ मैंग्रोव्स। ये मैंग्रोव्स वनस्पतियों का खास लक्षण है कि जब पेड़ों पे फल लगे हैं तभी बीजों का होगा अंकुरण, क्योंकि ये फिजिकली हार्श कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। जितना आप बुरा सोच सकते हो सोच लो, हाई टेम्परेचर, बहुत रिलैक्स बैठना, हाई टेम्परेचर, मडी कंडीशन, हाई सैलिनिटी एंड एरोबिक कंडीशन, इतनी कठोर दशाओं में टाइडल एक्सट्रीम्स, इंटेंस ओशनिक करेंट्स। सोचिए आप, अगर कोई इतनी कठोर दशाओं में, इफ एनी स्पीसीज इज ग्रोइंग अंडर सच फिजिकली हार्श कंडीशन, इट इज ओनली पॉसिबल इफ दे आर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, दैट इज रेंज ऑफ टॉलरेंस, दे हैव वेरियस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, पारिस्थितिक अनुकूलन, एंड एज दे आर हैविंग वेरियस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, दे हैव हाई रेंज ऑफ टॉलरेंस। आसान शब्दों में अद्भुत झेलन शक्ति जो आपको अपनी बढ़ानी है,
क्या रेंज ऑफ टॉलरेंस। ठीक, सो मैंग्रोव्स के पास इतनी एक्सट्रीम इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, मडी कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन, टाइडल एक्सट्रीम्स, एंड अंडर सच कंडीशंस दे आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग बिकॉज दे हैव डाइवर्स इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो वहां भी ये सब इस्तेमाल करेंगे वीवी पेरी का। कब? व्हेन फ्रूट्स आर अटैच्ड टू मदर प्लांट एंड देन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकर, इसे बोलेंगे वीवी पेरी। मैंग्रोव एक कलेक्टिव टर्म है, हर्ब, श्रब, ट्री, घास फूस, झाड़ियां और पेड़ जो इन कठोर दशाओं में ग्रो करें दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैंग्रोव्स। ठीक है, आगे बढ़ें, फोटो ले लो आप, बिकॉज लिखने का टाइम नहीं दूंगा। क्या इंडिया के पास मैंग्रोव हैं? किस राज्य के पास? सुन तो लो पूरा, यहीं से क्वेश्चन बदल दूंगा। किस राज्य के पास सेकेंड हाईएस्ट मैक्सिमम? अब क्वेश्चन और चेंज कर दे रहा हूं, आपको घर जाके पता लगाना है कि इंडिया के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट मैंग्रोव कवर है। एक, दूसरा, कौन से चार राज्य हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओवरऑल मैंग्रोव, दूसरा, तीसरा, सिंगल लार्जेस्ट यानी एक बड़ा मैंग्रोव कौन सा है और एक बड़ा दूसरा कौन सा है। ठीक है, इतना करना, जब आगे मुलाकात कभी हुई तो फिर आगे बात करेंगे। मेटामॉर्फोसिस क्या है भाई? कायांतरण, रूपांतरण। आपको तो ये भी याद है कि अगर फ्रॉग की हुई मेटामॉर्फोसिस तो हार्मोन ये है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, चलिए, कहाँ कहाँ हो रहा है मालूम है आपको? बाइनरी फ्यूजन अमीबा पैरामिशियम वीवी पेरस एनिमल विच प्रोड्यूसेस बेबी इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स। अब हमें याद हो चुका है कि प्रोसेस इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव, ध्यान सुना, फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स विच इज कलेक्टिव टर्म गिवन टू ग्रुप ऑफ वेजिटेशन हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज ग्रोइंग अंडर फिजिकली हार्श कंडीशंस। क्योंकि बच्चों को दो दो तीन तीन मेंस देने के बाद यूपीएससी का भी पता नहीं होता मैंग्रोव है क्या। ठीक, मैमल्स क्या हो रही है भाई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। ओवीपेरस ओ को बड़ा कर दिया जो अंडे दें, रेप्टाइल्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स। हमें तो याद है स्टडी ऑफ स्नेक्स सरपेंटोलॉजी, तो क्या है हर्पेटोलॉजी? नो ऑप्शन, दो ऑप्शन, चलो लीवर, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। तो स्टडी ऑफ लीवर अभी कराया था, हिपेटोलॉजी क्या है? सौरोलॉजी, एस ए यू आर ओ, स्टडी ऑफ लिजार्ड। बहुत अच्छा बता रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपको दिख रहा है अमीबा, कहीं लिखना अमीबा के पास, लिख के डैश करना, अमीबा के पास स्यूडोपोडिया। कई बार पूछता है जो किसके पास फॉल्स फीट है, अमीबा डैश स्यूडोपोडिया। फिर नीचे पैरामिशियम डैश पेलिकल, फिर बगल में लिखिएगा रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो पूछेगा वही बता रहा हूं। आगे बढ़े, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है जो है, और बच्चे बड़े दुखी रहते हैं। क्या खास पूछता है जो है? पहले जरा फोटो लो और फिर तीन चार लिखो, क्योंकि फोटो रह जाएगा मोबाइल में, बदल दोगे मोबाइल, हो जाएगा डैश एंड डैश।
तीन चार लिखो आप, पूरे बोर्ड पे किसे कहेंगे आप सी काऊ? पूरे बोर्ड में किसे कहेंगे सी काऊ? बिल्कुल, गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन, तमिलनाडु कोस्ट। डुगोंग क्या है? मरीन मैमल है, समुद्री मैमल। डुगोंग आप मैमल करके डैश करेगा, डुगोंग सी काऊ गल्फ ऑफ मन्नार रीजन, जो बहुत खास भी करेंगे। फिर लिखिएगा बैट, फिर लिखिएगा वेल, बैट फिर लिखिएगा वेल। कोविड में सुना आपने, चीनियों ने इसका सूप पिया। द ब्यूटी ऑफ आर्कटिक फॉक्स इज इट कैन टॉलरेट -45 degree टेम्परेचर, -45। कौन आर्कटिक फॉक्स? रकून भी रेबीज कॉज करता है, रकून ऑल्सो कॉजेज रेबीज, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। ठीक, इतना काफी है। ठीक, आंसर हम 7 का सी कर चुके हैं। सारे मैमल वार्म ब्लड होंगे। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि -45 पे सरवाइव कर पा रहे हैं, सवाल कहाँ पूछ रहे हो? आगे देखिए आप जरा अपना तो बताओ कि आपके पास क्या है। बॉयज आपके पास क्या है? XXXY बॉयज। बॉयज अगर ऐसा हो जाए, प्रभु न करे हो, सुन लो, ऐसा हो जाए XYY हो जाए, मींस मेलनेस के एक और क्रोमोसोम आ जाए, ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। गर्ल्स आपका XXX हो जाए, 4X हो जाए, ये भी अच्छा नहीं है। ये सब क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। फिलहाल ZZZW कौन सा अच्छा लग रहा है चारों ऑप्शन में से? तब तक मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दूं, बहुत रिलैक्स बैठना, सुनते रहना। क्वेश्चन बॉयज आपसे है, बॉयज बॉयज ज्यादा खूबसूरत कौन? बेचारा। ठीक, क्या करें? ठीक, ज्यादा खूबसूरत कौन? ए मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, अब बताओ XXXY XY। ये एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन ने कहा कि भाई ध्यान सुनो, मैं लाइट मूड में बोलूं, बात ना करो आप, अगर आप समझदार हो तब तो एग्जाम में आप याद आ गया, यार बताया तो था, लेकिन हम बात कर रहे थे और आपका हो गया डैश एंड डैश। ठीक है, और बाहर आके आंखों में आंसू और दूसरों से सहानुभूति, कब? जब पॉइंट मार्क्स निकलते हो और फिर दूसरे जो किसी लायक ने आपको सुझाव देते हैं, उस समय आपको समझ में आते कि क्या करें, कहाँ छुप के रोएं, बहुत टफ है। कॉपी खुली, इतनी बार अंडरलाइन हो चुका है, अब क्या पढ़ें, वो टफ फेज है। किताब खुली, सब याद है, अब क्या पढ़ूं, टफ फेज है, उसमें रिदम मेंटेन करना है। इसलिए सुनो ध्यान से, ठीक, परफेक्शन के यूट्यूब चैनल पे BPSC के क्वेश्चन मैंने एग्जाम से पहले डिस्कस किए थे विथ मोर फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 8 घंटे के वीडियो से 12-14 क्वेश्चन लगा दिए थे एक्सपेक्टेड का,
शॉर्ट से क्वेश्चन लगा दिए थे, तो यहाँ अगर मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो आप, ठीक है, अगर मैं तैयार हो गया हूँ डिसीजन ले लूँगा तो आप इसका फ़ायदा उठाओ और पूरा एंजॉय करो, रिलैक्स बैठो, बिल्कुल रिलैक्स बैठो, सुनो ध्यान से आप, क्योंकि मैं इतना डाइवर्स बात कर दूंगा और बिल्कुल वापस लौट आऊँगा। अनवांटेड क्वेश्चन आप दो तीन बार पूछोगे सुनूंगा ही नहीं, और नहीं पूछोगे काम को बता दूंगा मैं, ठीक। सो क्वेश्चन इज, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या बोलती है कि मेल्स में कॉम्पिटिशन है फॉर फीमेल्स, वहाँ भी कॉम्पिटिशन है, तो मेल्स इवॉल्व हुए और उन्होंने एडिशनल फीचर्स इवॉल्व हुआ उनका, जैसे मूछों का आना, दाढ़ी का आना, गाना का गाना, मोर का खूबसूरत हो जाना, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, डार्विन की थ्योरी है, ये वही डार्विन है जिन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये वही डार्विन है जिसकी आत्मा आजकल रो रही है कि मुझे एनसीईआरटी से बाहर क्यों निकाल दिया। सो डार्विन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है आपका। देखिए आप, अगर दोनों, ध्यान सुनना, फीमेल्स ह्यूमन से जोड़ रहा हूं, फीमेल्स होमोगैमेटिक हैं, बहुत रिलैक्स बैठ जाए, फीमेल होमोगैमेटिक हैं, मतलब जितनी ये गैमेट्स सेक्स सेल्स ओवम बनाएंगी उसमें एक ही प्रकार का होगा एक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल नॉर्मल है, ठीक, तो पूरे जीवन में मैक्सिमम 350 से 360 ही ओवम बनाएगी। जिनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है रिप्रोडक्शन का, उनके लिए एक लाइन और बोल दे रहा हूँ, यही ओवम अगर स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो बेबी होंगे मैक्सिमम। हर MC मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच के दिनों में, मिड फेज में, चूंकि फीमेल के बॉडी में LH सर्ज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेवल बढ़ती है, हाई टाइम फॉर ओव्यूलेशन। फीमेल के प्रेग्नेंट होने का मैक्सिमम टाइम मिड फेज 12 से 15 16 दिन बीच का, ठीक। अब यहाँ इतना नहीं बता पाऊंगा क्यों। मेल्स आर हेटरोगैमेटिक, ये दो तरह के स्पर्म बनाएगा XY, एंड ऑलवेज इट इज द फादर हस्बैंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग सेक्स, बिकॉज मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक। भाई अगर Y वाला फ्यूज हुआ तो XY मेल चाइल्ड, X वाला तो XX फीमेल चाइल्ड, ठीक। तो फिलहाल हमने ह्यूमंस यहाँ पे की पॉइंट्स जोड़ दिया, अब यहाँ एक बार क्विक रिकैप करेंगे। तो बर्ड्स में, एप्स में, बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक। ZZ मेल होमो, ZW फीमेल हेट्रो, एग्जाम्पल्स आ गया। इंसेक्ट्स हैव XO, ओ काम का नहीं है, ध्यान सुनना, अगर XO इंसान में हो जाए, अच्छा क्वेश्चन है, अगर XO ह्यूमन में हो जाए, क्वेश्चन देखो जरा, सिंड्रोम इज, चार नाम लूंगा, ए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, नन, कौन बता रहा है? टर्नर, टर्नर सिंड्रोम होगा तो दिखने में फीमेल, अपीयरेंस फीमेल की, बट स्टाइल एबनॉर्मल। तो XO अगर इंसान में हो जाए तो इट कॉजेस टर्नर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर XXY, डाउन ट्राइसोमी, 21वें पे 2 के जगह पे 3 हो गए, कुल क्रोमोसोम 47 हो गए, ठीक है। यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात हो रही है, XO एंड XX टाइप्स क्रोमोसोम। ग्रास हॉपर, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रास हॉपर में रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है,
ये इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में क्या होगा, ट्रेकिया होगा, ठीक। ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक्स एक्स मेल, एक्स वाई फीमेल, ठीक है, आंसर बी था। देख लीजिए आप, ये मॉम है, ये डैड है, डैड खूबसूरत है, याद रहेगा आपको, इमोशनल नहीं होंगे। ये देखिए आप, मेल खूबसूरत है, खूबसूरत कैसे दिखा दिया है, ठीक, इसी का हिंदीकरण। क्वेश्चन देखिए आप, रॉबर्ट हुक सेल, रॉबर्ट ब्राउन प्रोटोप्लाज्म, पुर्किंजी न्यूक्लियस, लिवन हुक लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, सही है, बिल्कुल सही है। क्या वो सेल लिविंग था? नहीं, डेड कॉक सेल। ओके, रॉबर्ट ब्राउन के क्या था? न्यूक्लियस, यानी गलत। पुर्किंजी का प्रोटोप्लाज्म, यानी गलत। लिवन हुक का लिविंग सेल, यानी सही। लिवन हुक ने क्या देखा? लिवन हुक ने क्या देखा? ऑप्शन दू, WBC, RBC, स्पर्म सेल, ईस्ट बैक्टीरिया सेल। लिवन हुक ने सब देखा, अभी दिखा रहा हूं, ठीक। ये हुक साहब हैं, हुक डिस्कवर्ड सेल कॉर्क, ब्राउन न्यूक्लियस। इसमें से कौन सा आपको प्रोटोप्लाज्म कहाँ दिखेगा? यही मैं आपसे पूछ रहा था। सो WBC, RBC, ईस्ट, स्पर्म सेल्स, बैक्टीरिया सेल्स। तो कितना हैंडसम है लिविन हुक। तो आंसर बी था जो आप बता चुके थे। सो हुक सेल, ब्राउन न्यूक्लियस, पुर्किंजी प्रोटोप्लाज्म। यही बता दो मुझे आप, हु गेव सेल थ्योरी? स्लेडन एंड स्वान। किसने कहा ऑल लिविंग सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? रोडोल्फ विर्को, रोडोल्फ विर्को। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, PPLO, ये है क्या? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या इसके पास सेल वॉल है? नहीं, सेल वॉल नहीं है, तभी इट इज जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल किंगडम। अच्छा बता रहा, वेरी गुड। क्या होगा आंसर? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, सही है। ओके, एल्गी को अब देखो, इसके कैसे पहचानोगे आप? फाइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई। ये उल्टा हो रहा है, यहां होना चाहिए था फाइकोबायंट, यही सुन लो आप ध्यान से, यहां होना चाहिए था माइकोबायंट। लाइकेन से कितने सवाल बनते हैं? ये आपको लाइकेन दिख रहा है, कितने सवाल बनते हैं, मैं ये लिख दे रहा हूं, आप नोट करिएगा। लाइकेन, लाइकेन बराबर गठबंधन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी फाइकोबायंट,
इमोशनल नहीं होंगे, लिखते जाएंगे. फंजाई माइकोबाइंड लाइकेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे आर पायनियर, पायनियर ऑफ वेजिटेशन. उतना ही इंपॉर्टेंट, दे आर इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन. अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स हैं तो लाइकेन नहीं होगा. लाइकेन का प्रेजेंस बता रहा है कि एटमॉस्फेयर में सल्फर के ऑक्साइड्स नहीं हैं. ठीक. सो इन दिस वे दे आर इंडिकेटर. आप मुझे सोच के बताओ, जो खाना बनाए वो कौन? ए मालिक, बी नौकर. आप जो फील करें बता सकते हैं. आइए मालिक खाना बनाइए. क्वेश्चन पूछता है लाइकेन में हु इज मास्टर. खाना कौन बना सकता है जिसके पास क्लोरोफिल हो. सो एल्गी हैविंग क्लोरोफिल प्रिपेयर्स फूड. बंद बैठेगा, इमोशनल नहीं होना, घर पे अप्लाई मत करना बॉयज. भविष्य में स्लेव और सर्वेंट, ये तो हो जाएगा आपका डेसेंडेंस. फंजाई बिहेव्स एज मास्टर. फंजाई बहुत स्मार्ट है. इसे मालूम है दुनिया का वही गठबंधन लॉन्ग लास्टिंग है जिसमें दोनों को फायदा हो. ठीक. तो ये देगा प्रोटेक्शन. हर लाइन क्वेश्चन है प्रोटेक्शन टू एल्गी. और बन बैठेगा मास्टर. सो फंजाई इज मास्टर. इस संबंध को बोलते हैं, दोनों एक दूसरे से हेलो कर रहे हैं, हेलोटिज्म. स्ट्रेट क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन हेलोटिज्म इंपार्ट कर रहा है? हेलोटिज्म एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जहां मास्टर और सर्वेंट की हायरार्की मेंटेन है. सो लाइकेन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. एल्गी फाइकोबायंट, फंजाई माइकोबायंट, दे आर पायनियर ऑफ वेजिटेशन, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, हाईली सेंसिटिव टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. एल्गी इज हैविंग क्लोरोफिल, परफॉर्म्स फूड, प्रिपेयर फूड, परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, सो बिहेविंग एज स्लेव और सर्वेंट. एंड इन ऑर्डर टू बी इन एसोसिएशन, फंजाई गिव्स प्रोटेक्शन टू एल्गी एंड बिहेव्स एज मास्टर. सो दिस मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, दिस हायरार्की इज कॉल्ड एज हेलोटिज्म. इससे आप बोलोगे हेलोटिज्म. क्या एल्गी का कोई और गठबंधन आपको याद है जहां एल्गी प्लांट को, ट्री को हेल्प कर रहा है? माइकोराइजा. कितना स्मार्ट है एल्गी. एल्गी ने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है. कैसे? देखो, ये पेड़ है, ये सॉयल है, नीचे यहां फंजाई है, ये उसकी हाइफी है. इसने पेड़ को ऑफर दिया, कैसे? तुम मुझे भोजन दो, मैं तुम्हें फॉस्फेट दूंगा. बहुत ध्यान सुनना. यानी इस गठबंधन में होना क्या है, ट्री विल प्रोवाइड फूड एंड फंजाई विल प्रोवाइड फॉस्फोरस विच इज मैक्रोन्यूट्रिएंट. फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. एंड दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज कॉल्ड एज माइकोराइजा. जानिए एक लाइन लिखिए, माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई
between fungi and roots of higher trees. Fungi and roots of higher trees. Roots of higher trees. Higher trees. In this association, fungi increases absorption of phosphorus in the form of phosphate and in return it gets food prepared by plant. And in return, it gets food prepared by plant. It gets food prepared by plant. Yaad rakhiyega, bahut important. Algae ke paas chlorophyll, fungi ke paas nahi chlorophyll. Dono ka gathbandhan. Fungi ka ek species yaad rakhiyega, bahut edible hai. Morkela. Also called as gurchi. Naam suna hai? Yes. Morkela aur gurchi. Mushrooms fungi hai. Which of the following helps in manufacturing of fat molecules or lipid? क्या मैं चीटिंग करा दूं? कर लो. यहीं पे आंसर कर लो. कंट्रोल, आगे मैं फास्ट मूव करूंगा, ये बता दे रहा हूं. कंट्रोल टावर ऑफ सेल न्यूक्लियस. बहुत ध्यान सुनना, अगर कॉम्प्रेस किया तो टूटने से बचा दिया. कौन? RESER, मैकेनिकल सपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बहुत ध्यान सुनना, सेल का ट्रैफिक पुलिस दो, गॉल्जी एंड ER, दो. ये चूंकि पैकेजिंग में ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, आगे आपको गोल्जी की वेसाइकल्स लाइसोसोम की फॉर्मेशन दिखा रही हैं. यानी ये कौन सा सेल है? नो, प्लांट और एनिमल. ये लाइसोसोम का होना एनिमल सेल है ना. इसमें से पावर हाउस कौन? अगर ER स्मूथ है तो लिपिड फैट सिंथेसिस. अगर ER के सरफेस पे राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस. अगर सेल्स को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो RER ज़्यादा, लिपिड और फैट चाहिए तो SER ज़्यादा. पैकेजिंग करनी है, गोल्जी प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल. न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम, यहीं पे जीन, और ये बन गया कंट्रोल टावर. ठीक, चलिए आगे और बढ़ते हैं. ये थोड़ी सी आपको मैंने रिवीजन करा दी, अब फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इसमें से ये कौन सा हुआ गया, ये कौन सा सेल है? मैंने टीम से कहा था यार एक मिनट रुकना. कौन सा प्लांट सेल है? प्लांट सेल क्यों? तीन कारण बताइए. एक सेल वॉल किसका बना? सेलुलोज का बना. वैक्यूल वेल डेवलप्ड, पूरा स्टोर कर रहा है फ्लूइड, सैप, लार्ज वैक्यूल. और क्या खास बात? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? ग्रेनम, स्ट्रोमा, बोथ.
इसके पास दोनों है, बहुत चमत्कार है आप। अगर ER स्मूथ है, लिपिड और फैट, अगर राइबोसोम्स अटैच्ड है तो प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम्स आर डैश फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री। अब थोड़ा टफ सवाल, टफ सवाल देखो जरा, टफ सवाल, कहां कहां राइबोसोम प्रेजेंट है? ऑप्शन लो, ऑप्शन लो, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ER, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। मैंने प्रो और यू नहीं किया, सिर्फ राइबोसोम्स। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम है? कौन सा? 70S। क्या क्लोरोप्लास्ट के पास है? कौन सा? 70S। अगर सेल यूकैरियोटिक है तो ER के पास राइबोसोम है, कौन सा? 80S। साइटोप्लाज्म के पास है, कौन सा? 80S। बहुत चमत्कार है आप, वेरी गुड। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये क्या है? सिर्फ दो ऑप्शन, 50-60। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये क्या है? 50-60। अगर ये यूकैरियोटिक है तो 60, अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो 30, यूकैरियोटिक है तो 40। पावर हाउस आपने कहा है ना, क्योंकि ATP बना, ठीक, कहाँ पे? क्रिस्टी के सरफेस पे। क्या कहा? F0F1 पार्टिकल, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीसोम्स। ATP फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बहुत चमत्कार है आप, आंसर ए सिंपल था, आगे बहुत कुछ देख लिया हमने। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यही पे हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। गॉल्जी एपरेटस पैकेजिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। अगर कैटाबॉलिज्म की बात हो रही, डिस्ट्रक्शन की बात हो रही, ध्यान सुना, तीनों के तीनों बनाएंगी एसिटिल को एंजाइम ए, और ये एसिटिल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, बहुत पॉपुलर, ध्यान सुना, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी एक साइकिल जिसे तीन नाम से जानते हैं, तीन नाम, पॉपुलर क्रेप साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड TCA, ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो यहां आंसर हो गया सी, एसिटिल को एंजाइम ए। क्रेप साइकिल कहां पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक। इसे और कौन कौन नाम से बता दिया आपको, TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेप साइकिल। क्रेप साइकिल के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बताया था आपको, लिखवाया भी था, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। फिर क्या होगा? अभी पीछे दिखाया था आपको, ऑक्सीसोम के सरफेस पे ATP की फॉर्मेशन, और फाइनली ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ATP फॉर्मेशन। पाइरूवेट कैसे एसिटिल कोएंजाइम ए बना रहा है और ये एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तुरंत बताइए, फास्ट, अभी रिविजन कराया था पीछे। जल्दीबाजी मत करिएगा, आंसर करना। DNA से DNA का बनना रेप्लिकेशन, RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन, राइबोसोम के हेल्प से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ध्यान सुनिएगा, एंजाइम्स आर प्रोटीन, हमने स्कूल डेज में पढ़ा है, NCERTs में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ध्यान सुनेगा, रिपीट कर रहा हूँ,
हमने क्या पढ़ा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। और वही हमारे पास, ये आपको याद रखना है, लिखो जरा राइबो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल राइबोजाइम, ऐसे कर दो, एक्सेप्शन, ऐसे कर दो, एक्सेप्शन इज राइबोजाइम, ये अपवाद है, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन इज राइबोजाइम विच इज एंजाइम, राइबोजाइम विच इज एंजाइम मेड अप ऑफ आरएनए पार्टिकल्स, राइबोजाइम इज एंजाइम मेड अप ऑफ आरएनए पार्टिकल्स, ये प्रोटीन का दही बना है। थॉमस चेक नामक साइंटिस्ट ने स्टडी की, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस। फिर बोलूं, क्या लिखा आपने, जब पढ़िए, हमने लिखा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, एक्सेप्शन इज राइबोजाइम, जो प्रोटीन का नहीं बना है, किसका बना है, मेड अप ऑफ आरएनए। इस खोज के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थॉमस चेक, उनको मिला नोबेल प्राइज, ही गॉट नोबेल प्राइज, किसकी खोज के लिए, राइबोजाइम की, ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सेल को देगा टर्जिडिटी, क्या प्लांट सेल में, थोड़ा आंसर करिएगा, क्या प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, नहीं, प्लांट नहीं करते आत्महत्या, क्या प्लांट के पास, क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा हूं, अगर एनिमल सेल के पास गोल्जी बॉडी तो प्लांट सेल के पास डैश सोम्स, कंफ्यूज कर दूं, अगर एनिमल सेल के पास गोल्जी बॉडी तो प्लांट सेल के पास डैश सोम्स, क्रोमोसोम, स्फीरोसोम, लोमोसोम, डिक्टियोसोम, तो प्लांट के पास डिक्टियोसोम्स, ठीक। तो जाहिर सी बात है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, सारे सैप द्रव्य यही स्टोर है, ये पीछे मैंने हिंट दिया था, आने वाले क्वेश्चन का खूब हिंट दे रहा हूं, तो इसी के पास सैप स्टोर है, द्रव्य स्टोर है, सेल का डस्टबिन है, और फिर सेल फूल गया, सेल टर्जिड हो गया, ठीक, और इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू प्लांट, कौन, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी, तो 14 का बी। आगे बढ़े, लाइसोसोम्स को हमें याद है कि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ध्यान सुनेगा, खुद सेल के पार्ट को डाइजेस्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो, ऑटो में सेल्फ, खुद के पार्ट को खाना, ऑटोफैगी। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि कौन इंपार्ट कर रहा है ऑटोफैगी, तो आप याद रखेंगे लाइसोसोम्स इंपार्ट करती हैं ऑटोफैगी, दे आर सुसाइड बैग। जितना बड़ा वैक्यूल उतना ज्यादा इंपार्ट करेगा टर्जिडिटी, और उतनी प्लांट सेल्स लार्जर होंगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट,
क्या प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट है? यस। क्या ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है? यस। क्या क्रोमोप्लास्ट आर कलर प्लास्टिड? यस। क्या प्लास्टिड लैक ओन डीएनए एंड राइबोसोम? नो। क्लोरोप्लास्ट के पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, सुना, क्लोरोप्लास्ट के पास माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए और राइबोसोम है। चूंकि अपना डीएनए इसके पास है, दोनों सेमी ऑटोनॉमस हैं, दोनों के दोनों सेमी ऑटोनॉमस हैं। यहीं पे टफ क्वेश्चन, क्या दोनों की ओरिजिन, दो ऑप्शन है, यस नो, क्या दोनों की ओरिजिन यूकैरियोटिक है? यस नो। नो, दोनों की ओरिजिन प्रोकैरियोटिक है। आंसर करना, डैश थ्योरी एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। कौन सी थ्योरी? एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी क्या बता रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन एरोबिक बैक्टीरिया से और क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन साइनो बैक्टीरिया से। ठीक, तो अगर प्लास्टिड कलर्ड है, क्रोमो ग्रीन है, क्लोरो कलरलेस है, ल्यूको, सोच के आंसर करना, क्या ये प्लास्टिड्स आपस में कन्वर्टेबल हैं? यस नो। भाई आम कच्चा क्लोरोप्लास्ट, आम पक गया क्रोमोप्लास्ट, मूली जमीन के अंदर ल्यूकोप्लास्ट, मूली ग्रोथ हुई झांक रही ऊपर क्लोरोप्लास्ट, आलू मिट्टी में ल्यूकोप्लास्ट, आलू के ऊपर की मिट्टी हटी झांक रहा ऊपर, सन रेज स्ट्राइक करी, ल्यूको चेंजेस इनटू क्लोरो। याद रहेगा, अगर ल्यूकोप्लास्ट के पास नाम दिया एमाइलोप्लास्ट, तो क्या स्टोर है? वेरी गुड, स्टार्च। इलायोप्लास्ट, फैट। प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीन। रिजर्व स्टार्च ज्यादा हो गया। व्हेन अ सेल डिवीजन हैपेंस फॉलोइंग मियोसिस मेथड, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम? मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, आधा हो जाएगा। अगर माइटोसिस होता तो इक्वेशनल डिवीजन रिमेन सेम। लिखो नोट, इन द केस ऑफ माइटोसिस, इन द केस ऑफ, बस एक लाइन बोल दे रहा हूं कंपेयर करके, इन द केस ऑफ माइटोसिस, इन द केस ऑफ माइटोसिस which is called as equational division, which is called as equational division, equational division, number of chromosome remain same, number of chromosome remain same, remain same, whereas in meiosis which is also called reductional division, chromosome number in daughter cells reduced to half। आंसर कर लेंगे सी। द 17 देखिए, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स इन डैश रीजंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश टिश्यू। क्या प्लांट पूरी ग्रो करती है?
यह स्पेसिफिक पार्ट में ग्रो करती है, क्योंकि जो ग्रोथ वाले टिश्यूज हैं उसे बोलते हैं मेरिस्टम्स। 17 का ऑप्ट करेंगे सी, और थोड़ा जल्दी से देख लेंगे। तीन तरह के मेरिस्टम्स, एपिकल जो रूट और शूट की ग्रोथ कराए, इंटरकैलरी लीफ बेस और स्टेम के सेगमेंट में, लेटरल स्टेम एंड रूट्स। तो इन स्पेसिफिक पार्ट पे इनकी ग्रोथ हो रही है। डायग्राम देख लीजिए आप, एपिकल एपेक्स पे, लेटरल इंटरकैलरी। तो मेरिस्टम्स वो सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी है टू ग्रो एंड डिवाइड एट ए फास्टर रेट। चाहे तो फोटो ले लीजिए आप ये। क्या मैं जाइलम फ्लोएम ऐसा नाम सुना है? बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यूज किन में आई? सिर्फ दो ऑप्शन है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, जरा आंसर बताइए। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ। क्या रूट में फूड लेके जाएगा? टिक करेंगे ए, लिखेंगे नोट। टिक करेंगे ए, लिखेंगे नोट, लिखेंगे पहला पॉइंट। जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली कॉल्ड, जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम आर कलेक्टिवली कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। फर्स्टली डेवलप्ड इन टेरिडोफाइट्स। बाहर खूब बारिश हो रही, आराम से पढ़िए। टेरिडोफाइट्स, नेक्स्ट पॉइंट। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बहुत कॉम्पैक्ट कर दे रहा हूं भाई, कैसे? थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल। पेड़ों के पत्तियों के ऊपर से ट्रांसपिरेशनल पुल हो रहा है, एज एक्सप्लेन्ड बाई मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल। यूपीएससी में पूछ चुका है, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी, कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। इसके पहले हमारे साइंटिस्ट सर जे सी बोस, इन्होंने दिया था पुलसेशन थ्योरी, जो रिजेक्ट हो गया,
लेकिन आज भी हैं ये पापा जी फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। इन्होंने कहा था पौधों में जीवन है। सेकेंडों में प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया विथ क्रिस्कोग्राफ। हर लाइन क्वेश्चन है, आगे लिख लो। सर जेसी बोस फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। सर जेसी बोस फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी गेव पुलसेशन थ्योरी टू एक्सप्लेन। कौन सा सब लिखा है देखिए बोर्ड पे। सर जेसी बोस फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी गेव पुलसेशन थ्योरी टू एक्सप्लेन वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ऊपर के जाने को बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप। टू एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप। समझ मुझे आया नहीं, आपको समझ में आया? भूख लगा ना? अभी भूख लगेगा, बोर्ड धुंधला दिखेगा, थोड़ी देर समझ में कम आएगा, फिर जब पढ़ोगे एंडोक्राइन तो बताऊंगा वहां पे, फिर कैसे ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, साफ दिखना शुरू, समझ में आना शुरू। ठीक, चलिए तो क्या मैं और कंपेयर कर दूं? जैसा बताओ आप, समझ में आ रहा है या सिर्फ ए बी सी कर दूं? क्योंकि आप देखो कि टेस्ट सीरीज से आना है, यही से आना है जो है। ठीक, एक पॉइंट और ऐड करो। क्रिस्कोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सेकेंड्स। इज यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सेकेंड्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन सेकेंड्स। जो सुबह से आए मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को, बस आपको मैंग्रोव की तरह बिहेव करना है और अपनी झेलन शक्ति बढ़ानी है। ठीक, तो 10 बजे से मैं भी हूँ। हाँ यस, तो आप यंग भी तो हो, ये अब नहीं रहे। देखो आप, चलिए कॉम्पैक करता हूँ मुझे, तो उसी में और ऐड करो। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल मार्क करेगा पॉइंट। अब जो वर्ड बोलूंगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन। एक ये वर्ड बनता है जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कॉमा बाई डायरेक्शनल। वो यूनी है बाई डायरेक्शनल। फिर अगला वर्ड पूछता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। मार्क करेगा, चॉइस देंगे ग्लाइकोजन स्टार्च फ्रक्टोज सुक्रोज। इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज दैट इज सॉल्युबल फॉर्म। स्टोर हुआ स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च सॉल्युबल फॉर्म नहीं है। सुक्रोज के फॉर्म में होगी ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के द्वारा विच इज बाई डायरेक्शनल। हर लाइन जो लिखवा रहा हूं वो क्वेश्चन है। अभी पीछे बात हुई थी विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से आंसर बताइए।
क्रेब साइकिल को ही कहा था टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। आंसर टिक करेंगे बी बी। और एक लाइन लिख लेंगे, क्रेब साइकिल अकरिंग इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब साइकिल के आर ई बी एपोस्ट्रॉफी एस, क्रेब साइकिल अकरिंग इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल टी कैपिटल सी कैपिटल ए टी सी ए साइकिल, टी सी ए साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड स्लैश करिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल इन विच एसिटिल को एंजाइम ए एसिटिल को एंजाइम ए एंटर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। पूरी कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, आपको नहीं पढ़ना है, यूपीएससी प्रीलिम्स तक नहीं पढ़ना है, मैथ्स के लिए फटाफट कर चुके हैं आप। लाइसोसोम्स सुसाइड बैग, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, एटीपी एनर्जी करेंसी। बहुत अच्छा बता रहे हो आप। तो ए का आंसर कौन सा है? ए का थ्री, बी का चार, डी। ठीक है, चलिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, नीचे लिख लीजिएगा, फ्रिट्ज ए लिपमैन। यही पापा जी हैं किसके? फादर ऑफ एटीपी साइकिल, फादर ऑफ एटीपी साइकिल लिपमैन। लिपमैन इज कॉल्ड एज, इस साइकिल को बोलते हैं फादर ऑफ एटीपी साइकिल, फ्रिट्ज ए लिपमैन। आप कंफ्यूज है, लिप है कि मैन है? सेल्स का डस्टबिन कौन? कहां ये सब स्टोर होंगे? क्या आंसर करेंगे आप? यहां बात पैकेजिंग की नहीं हो रही है, स्टोर की बात हो रही है। टिक करेंगे वैक्यूल्स। देखिए आप, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हमने याद किया था टोनोप्लास्ट, जब हम प्लांट और एनिमल का डिफरेंस कर रहे थे तो लिखा था इन एनिमल सेल आइदर वैक्यूल्स आर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, दे आर फ्यू एंड लार्ज इन प्लांट सेल, है ना? अभी हमने पीछे किया था हाउ दे आर स्टोरिंग द सैप एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द सेल। ठीक है, तो आंसर था वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल को लार्जर बना रहा है, हिंदी में रिक्तिका। टोनोप्लास्ट इसकी बाहर की मेम्ब्रेन है। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्टेम? देखिए तो क्या सही लग रहा है आपको, इनकरेक्ट ढूंढना है आपको।
जहां से कलियां निकलेंगी नोड है, दो नोड के गन्ना देखा है, गन्ना शुगर केन बेस्ट एग्जांपल है। गन्ने में जहां से पत्तियां निकल रही हैं नोड है, दो नोड के बीच के स्पेस इंटरनोड है। आगे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन रूट एंड शूट, ठीक है। आगे क्या अगला भी सही है, डी में क्या गलत है? अगर सूट सिस्टम हो जाता है तो सही हो जाता है ये, ठीक। चलिए डी हो गया रॉन्ग, बस एक वर्ड का अंतर है खाली। वहां पे और शूट स्टेम के बजाय शूट सिस्टम आना चाहिए था, तब उसमें फ्लावर फ्रूट लीव्स स्टेम सारे आ जाते हैं, है ना। सीड में जहां से ये निकलते हैं वो क्या है? ए प्ल्यूम्यूल, बी रेडिकल, रेडिकल से रूट सिस्टम, प्ल्यूम्यूल से शूट सिस्टम। ये फोटो ले लीजिए, जहां जहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है वहां मैंने प्रयास किया कि कुछ इमेजेस एनिमेशंस के थ्रू आपके दुख दर्द कष्ट को कम किया जाए। एक और फोटो ले लीजिए आप चाहें तो, और घर जाके एपिकल बर्ड नोड इंटरनोड लीफ में ब्लेड पिटियोल रूट में टैप रूट सिस्टम, इनको देखने का प्रयास करिएगा और जरा आंसर तो करें। देखिए तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन, शब्दों को ध्यान सुनना, ये एब्जॉर्प्शन होती है पैसिव और देन ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, कॉपी मत देखना, गिवन बाई डैश एंड डैश डिक्सन एंड जॉली, ये बता रही है, ध्यान सुनना, ये बता रही है सेल की टर्जिडिटी, रूट सेल की टर्जिडिटी पुश कर रहा है एसेंट ऑफ सैप को, ये बता रही है लीफ की ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशनल पुल ये प्रमोट कर रहा है एसेंट ऑफ सैप को। क्या होगा फर्स्ट सेकेंड, यही पूछेगा सेकेंड। अभी लिखवाया था आपको कोहेजन टेंशन ट्रांसप्रेशनल पुल थ्योरी, कि यहां से वाटर का लॉस और ऊपर से वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, थोड़ा और समझ लो, समझ नहीं पा रहे हो, ऑलवेज वाटर की मूवमेंट कहां से कहां होगी, हाई सॉल्वेंट लो सॉल्वेंट। अगर सेल्स में वाटर एब्जॉर्ब हाई सॉल्वेंट, हाई सॉल्वेंट ट्रांसपिरेशन लो सॉल्वेंट, तो हाई से लो, ठीक, वाटर की मूवमेंट हो रही है, हाई सॉल्वेंट बोल रहा हूं मैं, हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशनल पुल, जो करा रही है एसेंट ऑफ सैप, वो भी यूनि डायरेक्शनल। यहां भोजन बना, यहां भोजन बना, फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बना, कार्बन एसिमिलेशन फ्लोयम बाई डायरेक्शनल। देखिए जरा कौन कौन जाइलम के टिश्यूज हैं, लिखिए जरा, लिखिए क्वेश्चन 23। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकीट्स, लिखा है बी ऑप्शन में, ट्रेकीट्स
वेजल्स डी ऑप्शन में है, ट्रेकिड्स वेजल्स वेजल्स, पैरेन्काइमा डी ऑप्शन में है, ट्रेकिड्स वेजल्स पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ट्रेकिड्स वेजल्स पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। इसमें ट्रेकिड और वेजल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आंसर इज बी। उसी में अगला पॉइंट करेंगे फ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, ए ऑप्शन, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, ए ऑप्शन, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, याद रखिएगा, देख लीजिए आप, चाहे तो फोटो ले सकते हैं आप। अगला भी लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज क्या करेंगे? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सेंसेशन, सिक्रीशन। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो ए बी सी सही है, डी इनकरेक्ट है। हालात ठीक हैं आपके? यस नो मत पूछिए भाई, जो नहीं पढ़ेंगे उनकी हालत में समझ सकता हूँ, ये पूरा दिमाग का डैश एंड डैश हो रहा है। Which of the following is or not connective tissue? ये सब पढ़ा है आपने? ठीक है, क्या पूछा है? Not, क्या mucus, muscles? तो D, not। बाकी आपके पास, जिनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है वो ये फोटो ले लेंगे, जिनके पास है वही सेम वही है। कुछ लोगों का चेहरा देख के मन करा छोड़ दूँ। चलिए टीज करते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आपके हालात कैसे हैं। क्या हमने ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। तो फॉल्स फ्रूट डेवलप्स, आपको देखना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तो खूब हमने सुना है कि एप्पल, पियर, कैसियू नट, ये सब फॉल्स है। मैंगो तो ट्रू है, आगे का पता नहीं, आगे का आप बताओगे। क्या लग रहा है आपको आंसर? पहला स्टेटमेंट उल्टा कर दिया है, ट्रू फूड्स डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फॉल्स विदाउट। पहला कट कर दो, बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं भी आता है तो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। अगर सिंपल सी बात आपको ये पता है कि ये गलत है, गलत गलत, ऑल में वन है गलत, निकल गया आंसर थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से। कई बार आप कम
पढ़ के भी आंसर निकाल लोगे, यानी सेकेंड और थर्ड करेक्ट है। जरा ये फोटो ले लीजिए, कौन सिंपल फ्रूट, कौन एग्रीगेट, कौन मल्टीपल। इसमें पाइनएप्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरा गुलदस्ता बन रहा है फल, इनफ्लोरेसेंस क्लस्टर ऑफ फ्लावर। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बहुत फेमस है। आगे देखिए टेडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, जो फ्लावर जिसमें फूल खिलेगा फैनरोगैम्स, नहीं खिलेगा क्रिप्टोगैम्स। एंजियोस्पर्म, ध्यान सुन लेना, अगर एंजियोस्पर्म के पास कवर्ड सीड है, नेकेड सीड है, जिम्नो, जिम्नो मीन्स नेकेड, GYMNO, जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड। सो थैलोफाइटा जब प्लांट बॉडी को देखकर रूट स्टेम लीफ का पता न लगा पाए, जैसे कि एल्गी है ना, थैलस। सो यहाँ पे क्या हो गया, सी गलत है, सी करेक्टली मैस्ट नहीं है। क्या ब्रायोफाइटा हमने कभी देखा है? ये आपको दिख रहा है ब्रायोफाइटा, ये जो रूट दिख रहा है उसे बोलते हैं राइजोइड्स, ये रूट नहीं है, इसे बोलते हैं राइजोइड्स। यहीं से क्वेश्चन बनता है, जो है टफ क्वेश्चन यूपीएससी टाइप का। टेडोफाइटा फर्न सबसे पहले यही निकला, यही डेवलप हुआ, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन यहीं पे हुई, कहाँ पे, टेडोफाइटा, फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट, ऐसे क्वेश्चन बनता जो है। एंजियोस्पर्म फूल से फल बना, फूल की ओवरी बन गई फल, फूल का ओव्यूल बन गया बीज, ओव्यूल ओवरी के अंदर, फल के अंदर बीज, कवर्ड सीड एंजियो स्पर्मा, कवर्ड सीड एंजियोस्पर्म, अगर नेकेड होता तो जिम्नोस्पर्म। अगर प्लांट बॉडी को देखकर नहीं समझ में आ रहा है कि रूट स्टेम लीफ कहाँ है, अनऑर्गेनाइज है, इट इज कॉल्ड एज थैलस थैलोफाइटा। तीस करके छोड़ दूंगा, जो कल चेहरे बहुत कष्ट दिख रहा है मुझे। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डार्विनिज्म, सोचो उस क्लास की क्या हालत होगी। जो मैं आपसे क्लास में बता रहा था कि एक क्लास प्लान करेंगे जिसमें 2013 से पहले यूपीएससी के सारे क्वेश्चन, सीडीएस के क्वेश्चन, सीएपीएफ के क्वेश्चन, बीपीएससी के क्वेश्चन, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है ना, लोअर के क्वेश्चन, सोचो उसमें से कितने क्वेश्चन फंसेंगे। पाँच क्या आठ नौ घंटे चलेगा, तो क्या होगा इसका आंसर, सी। भाई सुबह से आयो थक ही जाओगे। डार्विन की कौन कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कौन सा आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, कौन सी ओशन, पैसिफिक ओशन, कौन सी कंट्री के क्लोज, इक्वेडोर, एक और खतरनाक क्वेश्चन, कौन सी जहाज, HMS बिगल, कौन सी बुक, कौन कौन सी थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बहुत अच्छा बता रहे हो आप, याद रखेंगे। डी ब्रायस की म्यूटेशन थ्योरी,
ह्यूगो डी वाइस। देखिए तो क्या इसमें सही है, अभी पीछे बताया था मियोसिस में हाफ होगा कि वन फोर्थ होगा, तो डी तो गलत है, बी भी गलत है। अब माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनेंगे और दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी पीछे बताया था किसके पास टू चैम्बर्ड, क्लास में करा दिया है, फिशेस के पास टू चैम्बर्ड, किसके पास थ्री चैम्बर्ड, एम्फीबियंस के पास थ्री चैम्बर्ड, किसके पास इनकम्प्लीट फोर, रेप्टाइल्स के पास इनकम्प्लीट फोर, किसके पास फोर चैम्बर्ड, यहां देखो यहां एम्स के पास फोर चैम्बर्ड। जरा पांच क्वेश्चन दस क्वेश्चन पूछ लू और सही बता दो छोड़ दूंगा फिर, ठीक समझो है क्या, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, लिख दूं, दस सवाल पूछ के छोड़ दूंगा आपको, ये बच्चों को ज्यादा क्या पढ़ाना, जो राइट ऑरिकल, ठीक रूल सिंपल है, कॉन्फिडेंस जोर से नहीं तो धीरे से, बिल्कुल नहीं मन में। चार ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, कुछ बिना ऑप्शन के भी आंसर करना है आपको। सो क्वेश्चन इज विच वन इज हैविंग पेस मेकर, राइट ऑरिकल, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स CO2 rich blood, right auricle, receives O2 rich blood, blood goes to lungs for oxygenation through pulmonary artery from right ventricle, right ventricle. Largest chamber of heart, outer covering of heart, our tough question, weight of male's heart and female's heart, in human first heart sound is dash, which heart sound is longer, which heart sound is longer, lap, which is caused due to AV valve, kya trick diya tha, trick kya diya tha, LLL, अच्छा आपके मैच में नहीं हुआ, अच्छा आप, अच्छा पीछे आपके हो चुका है, बताओ ठीक दिया था, एल 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 लव लॉन्गर लाउडर ड्यू टू एवी वॉल, डब के बताया था फोर एस सेकेंड साउंड शॉर्टर स्लोअर सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है अच्छा बता रहा हूँ, इतने पर छोड़ रहा हूँ, फिर जब प्लान होगा तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो मैं बीबीके नहीं करता, बेवकूफ़ बनाओ कार्यक्रम नहीं करता, ठीक है, तो डिसीजन करेंगे तो अच्छे से, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।